अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अडेप्टेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स हीट थर्मोरेगुलेशन के लिए अपनी बॉडी में कौन कौन सी अडेप्टेशंस रखते हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, यानी जो स्ट्रक्चर में आती है। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन यानी जो जो उनकी इस बॉडी की अंदर चेंजिंग आए, उसके लिए एक फैटी लेयर जैसे फैट है स्किन के नीचे, वो मैक्सिमम इंसुलेशन का काम करती है। पीलेज मुर्गियों के अगर आपने देखा हो, ठीक है, वो अपने पंख खड़े कर लेते हैं जिससे एयर ट्रैप हो जाती है, उससे उन्हें जो है एयर इंसुलेशन का काम करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स पसीना जो है प्रोड्यूस करते हैं स्वेट, उससे क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। पैंटिंग, डॉग्स को अगर आपने देखा हो अपनी जुबान बाहर निकाल के ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं, इससे क्या होता है कि उनकी जो टंग है जुबान के ऊपर सलाइवा, उससे इवेपरेशन होता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये थी उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग्स आए हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर अडेप्टेशन, यानी एनिमल्स जो हैं किस तरह बिहेव करते हैं अगर चेंजिंग आती हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एम्फीबियंस जैसे स्क्वल्स जो हैं, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो ऐसे एरिया में जहाँ पे शेडोज होते हैं, छाँव होती है, केव्स होती हैं, वहाँ चले जाते हैं ताकि मैक्सिमम जो है हीट से बचें। और जब सर्दियाँ आती हैं तो जैसे लिजर्ड्स हैं, वो सन के नीचे अपने हाथ और पाँव फैला के लेट जाते हैं, बास्किंग करते हैं जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिले। ठीक है, ये है बिहेवियर। नेक्स्ट हम मैमल्स में थर्मोरेगुलेशन या डिस्कस करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे डेट इज़ ह्यूमन। ह्यूमन्स जो है उसका 36 से 38 जो है टेम्परेचर होता है, ठीक है, एंडोथर्मिक है। अब ह्यूमन्स जो है उसको दोनों कंडीशन यानी हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर जब दोनों में आता है, तो उसके लिए दो तीन तरह की उन्हें फेस करनी पड़ती हैं स्ट्रैटेजीज, ठीक है, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग, और इस तरह ह्यूमंस की स्किन के नीचे फैट होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वेजल्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि कभी वो डायलेट हो जाती हैं, कभी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सबसे पहले हम कोल्ड टेम्परेचर की डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बाहर सर्दी है तो तब क्या करेंगे। सबसे पहले तो सर्दी में वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट में, वेजो डायलेशन यानी आपकी जो वेंस हैं वो डायलेट यानी फैल जाएंगी ताकि मैक्सिमम हीट एक्सचेंज हो, और वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी सुकड़ जाएंगी ताकि मिनिमम हीट एक्सचेंज हो, ठीक है। अब होता क्या है कि सर्दियों में आपकी लेग्स जो है, फुट और आपकी आर्म्स तक में जो है ब्लड सप्लाई कम कर दी जाती है, और आपके बॉडी के मेन ऑर्गन्स को सप्लाई ज़्यादा होती है। आपकी बॉडी की लेग्स और बाजुओं का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, और जो मेन ऑर्गन्स हैं उनमें ज़्यादा कर दिया जाता है, वाइटल ग्लैंड्स वगैरह में, ठीक है। नंबर टू, अगर फिर भी टेम्परेचर डाउन है तो इंसुलेशन के लिए आपकी स्किन है वहाँ पर मौजूद, ठीक है, आपके जो है शिवरिंग प्रोसेस जो है उसको आप कांपने लग जाएंगे। शिवरिंग से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस शिवरिंग से होगी और आपका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बॉडी राइज करेगा। एक होता है नॉन शिवरिंग, नॉन शिवरिंग से मुराद है कि आपकी बॉडी कांपती नहीं है बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो उससे भी आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा। इसके अलावा कुछ वेल्स वगैरह जैसे होते हैं, उनकी स्किन के नीचे एक मोटी फैटी लेयर्स होती है, ब्लबर जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो भी इंसुलेशन का काम करती है जिससे उनकी अपनी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाती, ठीक है। इसके बाद है वार्म टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर वार्म है तो उससे कैसे बचा जाए। वार्म टेम्परेचर जो है, गर्मी है बाहर तो स्वेटिंग होगी, ठीक है, स्वेटिंग से आपकी जो है इवेपरेशन का प्रोसेस होगा और ऑटोमेटिकली कूलिंग होगी। इसके अलावा जो है वेजो डायलेशन होगी, यानी वेजो डायलेशन से आपकी वेंस फैलेंगी और मैक्सिमम हीट बाहर चली जाएगी, ठीक है। बैट्स जैसे सलाइवा और यूरिया प्रोड्यूस करती हैं, उससे बॉडी में से जो है हॉट प्रोडक्ट जो यूरिया और सलाइवा जब रिलीज होता है तो ऑटोमेटिकली कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब थर्मोरेगुलेशन जो है उसको अगर हम डिस्कस करें तो ह्यूमन का जैसे मैंने बताया कि 36 से 38 के राउंड अबाउट होता है। इम्बैलेंस जब होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ गया है तो आपका थर्मोस्टेट यानी ब्रेन आपका हाइपोथैलेमस आपको बताएगा कि बाहर गर्मी ज़्यादा है, तो आपकी स्किन को एक तो मैसेज भेजेगा, नंबर टू आपके स्वेट ग्लैंड को मैसेज भेजेगा। स्किन जो है वो डायलेट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, और ग्लैंड्स जो हैं स्किन जो है वो कैपिलरीज को डायलेट कर देगी, और स्वेट ग्लैंड्स पसीना प्रोड्यूस करेंगे। इन दोनों से ओवरऑल क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है।
दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन अगर हो गया है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने से क्या, सॉरी, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हुआ है तो आपके थर्मोस्टेट जो है वो आपके मसल्स को मैसेज भेजेगा, नंबर टू आपकी वेजल्स को मैसेज भेजेगा। वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और हीट को सेव करेंगी। मसल्स जो है वो श्रिंग वो शिवर करना शुरू करेंगे। जब वो शिवर करेंगे तो हीट प्रोड्यूस हो गई, और ओवरऑल इन दोनों ने मिल के क्या करना है, आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देना है, ठीक है। और आपका जो थर्मो स्टेट है उसको ओवरऑल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फीडबैक मैकेनिज्म है कि ह्यूमन, जैसे मैंने अभी बताया कि जब एक दफ़ा आपका कूलिंग मैकेनिज्म या हीटिंग मैकेनिज्म जब ऑन किया है, और बाहर सर्दी थी तो आपका जो है हीटिंग मैकेनिज्म ऑन है, बाहर टेम्परेचर अब हो गया नॉर्मल और आपका बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया है। अब वो जो आपने हीटिंग सिस्टम ऑन किया था उसको स्टॉप तो करवाना है, क्योंकि अगर वो आप स्टॉप नहीं करेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करता जाएगा। तो आपकी बॉडी जो जिस वो ऑर्गन जिसने आपका हीटिंग सिस्टम ऑन कराया था, यानी थर्मो जो हाइपोथैलेमस है, वो आपकी बॉडी को मैसेज भेजेगा और उसको स्टॉप करवा देगा। इसको कहते हैं फीडबैक, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो खुद कह रहा है कि मेरी प्रोडक्शन को स्टॉप करवाया जाए। इसी तरह अगर बाहर जो है आपने गर्मी थी और स्वेटिंग ऑन की है, ठीक है, और बाहर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, अब स्वेटिंग हो ही जा रही है, तो उससे आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाएगा। तो ओवरऑल स्वेटिंग को स्टॉप करवाना है तो हाइपोथैलेमस स्टॉप करवाएगा। इसे कहते हैं फीडबैक, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव में जो है अपनी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करवाता है प्रोडक्ट, और नेगेटिव में अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करवाता है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज़ टेम्परेचर फीवर यानी पायरेक्सिया। फीवर जैसे बुखार है, तो बुखार इज़ नॉट अ डिज़ीज़, बुखार कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको बुखार होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई और इशू चल रहा है, ठीक है, या तो किसी बैक्टीरिया ने या वायरस ने अटैक किया है। उससे क्या होता है कि जब आपकी बॉडी पे अटैक होता है तो आपके जो थर्मोस्टेट यानी हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर आपका बॉडी का 37 से थोड़ा सा बढ़ा देता है। जब वो बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली एक केमिकल है डेट इज़ कॉल्ड पायरोजन, उस वो प्रोड्यूस होता है, वो जाके आपका जो सेट टेम्परेचर 37 उससे बढ़ा देता है। अब वो पायरोजन जो है वो आपका 37 से ज़्यादा कर देता है। इससे क्या होता है, एक तो जो आपकी बॉडी में जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया है, ठीक है, उससे आपकी बचत हो जाती है, उनको किल करने में हेल्प होती है। नंबर टू, एक अलार्म की तरह, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि मुझे बुखार है तो इसका मतलब मुझे कोई ना कोई मसला है, और आप उसका कोई ना कोई हल ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं पायरेक्सिया, ठीक है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।